R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है, अहम बैठक जिसमें अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक एक कर आपको बताते हैं कि कौन से प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिली है। मोदी सरकार लगातार दूसरी बार सरकार में आने के बाद ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 24,000 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा इसमें। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि 15,700 डॉक्टरों की नियुक्ति उसमें की जाएगी। तो 75 नए मेडिकल कॉलेज, 15,000 से ज्यादा नए डॉक्टरों की भर्ती होगी। गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, निर्यात में सब्सिडी मिलेगी, 60,00,000 मीट्रिक टन पर यह सब्सिडी होगी। 6,000 करोड़ रुपयों की सब्सिडी की यह राशि होगी जो सीधे अकाउंट में पहुंचेगी। आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी होगी। कैबिनेट में एफडीआई पर भी अहम फैसला हुआ, कोयला खनन में 100% की एफडीआई की मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें इन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनका खुलासा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।